उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के तरखुलवा थाना क्षेत्र के पथरदेवा में उस समय सनसनी फैल गई जब अवैध अस्पताल में प्रसव की पीड़ा से परेशान संध्या को जब भर्ती कराया गया तो डॉक्टर की लापरवाही के चलते बच्चेदानी व यूरिन नली को एक साथ सिल दिया गया, जिससे संध्या की हालत बिगड़ते देख डॉक्टरों ने संध्या को जबरदस्ती गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जहां बीते 2 माह से संध्या का इलाज चल रहा था, लेकिन बुधवार की शाम संध्या की मौत हो गई। जहां परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते नजर आए, वहीं पुलिस अधीक्षक का कहना है कि तथाकथित अवैध अस्पताल की लापरवाही से एक महिला की मौत हो गई है, जिसकी जांच चल रही है, जल्द ही दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। ये देवरिया जनपद में तरकुलवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पथरदेवा ग्राम की घटना है, जहां पर एक तथाकथित अस्पताल प्राइवेट जो संचालित किया जा रहा था, वहां पर इलाज के बाद में एक महिला की जो है मृत्यु हुई। संबंध में जो डिप्टी CMO हैं और प्रभारी जो PHC के हैं और अन्य जो अधिकारियों की एक टीम गठित की गई, टीम की जांच में ये पाया गया कि ये जो अस्पताल चलाया जा रहा था बिना किसी क्वालिफाइड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा ये चलाया जा रहा था। इस संबंध में जो अधिकारियों द्वारा तहरीर की गई है जांच के उपरांत, उस तहरीर के आधार पर मेडिकल काउंसिल एक्ट की और IPC की जो सुसंगत धाराएं हैं उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है और आगे की अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।